नमस्कार, आप देख रहे हैं आज घटनी हुई खबर नालंदा से है। नालंदा पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा, चोरी के पीतल के बर्तन, चोरी के 8 मोटरसाइकिल के साथ 7 मोबाइल बरामद किए हैं। सदर DSP के कार्यालय में SP अशोक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट को। जो है वो 5 मसलों को लेकर बुलाया गया है। ये SDPO सदर के क्षेत्र में इनकी लीडरशिप में बिहार थाना, अस्थावा थाना, मानपुर थाना की अचीवमेंट है। बिहार थाना क्षेत्र में आप जैसा देख रहे थे बाहर, 8 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, जिनमें से 5 मोटरसाइकिल वेरीफाई हो चुकी हैं कि चोरी की हैं और बाकी 3 मोटरसाइकिल की वेरिफिकेशन चल रही है। इनके साथ 4 मोबाइल भी बरामद हुआ है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है बिहार से और जमुई जिला से, जो चोरी की मोटरसाइकिल कारोबार करते थे। दूसरा मसला जो है वो बिहार थाना क्षेत्र का है, जिसमें हम लोग गृहभेदन कांड का उद्भेदन कर रहे थे और इस दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया और उस अभियुक्त की निशानदेही पर रेड की गई, तो रेड के दौरान जो है कुछ चोरी के बर्तन और एक देसी कार्बाइन बरामद की गई और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। तीसरा मसला जो है बिहार थाना क्षेत्र का है, जिसमें 2 लोगों की अपहरण की बात थी, तत्काल विशेष टीम गठित करके दोनों को बरामद किया गया, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से देसी हथियार बरामद हुआ है। चौथा मसला मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी कि एक व्यक्ति को असॉल्ट किया गया है, उसको उसकी जांग पर चोट थी, उसके आवेदन के आधार पर थाना द्वारा रेड किया गया और रेड के क्रम में 2 देसी हथियार बरामद किए गए, एक देसी कट्टा और सिक्सर और 6 जिंदा गोली बरामद हुई। अस्थावा थाना क्षेत्र में शराब की रेड हुई और उस दौरान जो है थाना प्रभारी के द्वारा एक देसी कट्टा और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।